देखिए, मैं खुद पत्रकार रही हूँ। मैंने 6 साल तक पत्रकारिता में काम किया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम इसे मान इस्पात नगरी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देते हैं ज्योति समृद्ध झारखंड से। मेरे साथ एक हस्ती है जो राष्ट्रीय स्तर की हस्ती है, और ये हस्ती अभी जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में राष्ट्र संवाद के कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर भुवन मोहिनी जी कोई परिचय का मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनकी तारीफ इनके मुँह से सुनना चाहूँगी, आपको भी सुनाना चाहूँगी। मैम, सबसे पहले तो इस्पात नगरी में आपका स्वागत है। कैसा लगा आपको इस्पात नगरी, और क्या कर रही हैं आप, कैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त? इस्पात नगरी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब आई थी तो ये सोच कर नहीं आई थी कि यहाँ लोग इतना प्यार देंगे, बट जब यहाँ पर पहुँची तो यहाँ का स्नेह उसने मेरा दिल ले लिया, और मेरा मन है कि मैं यहाँ बार बार आती रहूँ, हर बार आती रहूँ। मैम, हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे, हमारे दर्शक हैं जो, तो हम चाहेंगे कि आप 2 पंक्तियाँ समर्पित करें हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। होली आने वाली, होली का उत्सव है। 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा कि रंगों की पिचकारी भरेंगे आना आपकी होली में, लाल गुलाबी अंग करेंगे आना आपकी होली में, और एक दूजे को भंग पिलाकर खूब करेंगे हंगामा, हम दुनिया से नहीं डरेंगे आना आपकी होली में। मैम, होली में ज़रूर आएंगे हम, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साहित्यकार और पत्रकार के जो आज आयोजन रहा राष्ट्र संवाद का, वो पत्रकारों का मंच, वहाँ पे साहित्यकार, तो पत्रकारों को और साहित्यकारों को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं खुद पत्रकार रही हूँ। मैंने 6 साल तक पत्रकारिता में काम किया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम इसे मानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत हो ही नहीं सकता है। कि अगर आप सुबह उठते हैं तो अखबार तलाशते हैं, जिनके घर अखबार नहीं आते वे मोबाइल पर, इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। तो आप मीडिया से दूर बिल्कुल नहीं हो सकते, सोशलिज्म से दूर बिल्कुल नहीं हो सकते। रही बात पत्रकार को मैं किस नज़र से देखती हूँ, तो महाभारत का एक सीन है जो हर व्यक्ति को याद है। गीता जब कृष्ण सुना रहे थे, जब अर्जुन ने मना कर दिया था युद्ध लड़ने के लिए, और कृष्ण ने उन्हें उत्साह भरा था गीता के द्वारा, तो पत्रकार का जो रोल है आज के युग में, वर्तमान में, मैं उसे कृष्ण का रोल मानती हूँ। क्योंकि आज का व्यक्ति जिस तरीके से नैराश्य में जा रहा है, डिसगाइड हो रहा है, मिसगाइड हो रहा है, तो केवल एक मीडिया ऐसा स्तंभ है, मीडिया एक ऐसा परिचायक हो सकता है जो उसे सही दिशा दिखा सकता है, जो उसमें उत्साह भर सकता है, एक नई दिशा दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है। राष्ट्र संवाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र संवाद से मैं जुड़ी मुझे लगभग महीना भर हुआ। पत्रिका को मैंने पढ़ा, उन्होंने मुझे भेजा, बहुत अच्छा लगा। पत्रिकाएं इस तरीके से छपती नहीं हैं, और स्पेशल प्रिंट मीडिया की जो अभी स्थितियां हैं, उस समय में अगर कोई पत्रिका 2 दशक अपने पूरा करती है तो वो अपने आप में बड़ी बात है। उसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो शब्दों की मोहताज हो ही नहीं सकती। तो उसे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे उन्होंने 2 शतक किए हैं, मेरी शुभकामना है कि वे 200 शतक पूरे करें। अगली बार आप कहाँ पे आएंगी झारखंड में, कहाँ उम्मीद करें, कहाँ आँखें बिछाएं अपनी? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जितना प्रेम झारखंड ने दिया है, मुझे लगता है मैं जल्दी लौटूंगी। तो उम्मीद करिए भुवन मोहिनी जी आपके सर में आएंगी। आप अगर कहीं आयोजन करते हैं तो प्लीज़ मैम को बुलाइए, इसी बहाने हम भी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।